हमीरपुर जिला में कोरोना पॉजिटिव मामलों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी पर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने एहतियात बरतने की अपील की है। कोरोना पॉजिटिव मामलों के चलते अब होम आइसोलेशन में भी मरीजों को रखा जा रहा है, तो संस्थागत क्वारंटीन के लिए भी प्रशासन के द्वारा बढ़िया प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि अगस्त माह में 8-10 मामले ही कोरोना के रह गए थे, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में अब 660 मामले कोरोना के आ चुके हैं और 167 कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव मामले हैं, जबकि 488 लोग ठीक हो चुके हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों में सभी की ट्रैवल हिस्ट्री है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि गत देर रात को भी हमीरपुर जिले में 20 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं और इन सभी को कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है। इसके साथ ही 60 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ना डेफिनेटली पिछले 5-7-10 दिन में केसेज किसी दिन 15-15, किसी दिन 20-23 तक भी हमारे गए हैं। जो मिड अगस्त में हमारी एक सिचुएशन ऐसी थी जब हमारे 8-10 केस ही रहे थे, 10 केस एक्टिव रहे थे, तो अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे केसेस जो बाहर से लोग आए हैं, स्पेशली जो लेबर रिटर्न कर रही है डिफरेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनमें से नंबर ज़्यादा है। और कुछ नंबर हमारे जो 5-7-1 केस नर्सिंग स्टाफ एंड अटेंडेंट का मेडिकल कॉलेज से आया है, तो उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे वहाँ से बढ़े हैं। तो अभी हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट में 660 केसेज आए हैं, उनमें से 488 क्योर हो चुके हैं और 167 एक्टिव केसेज। जैसे कल की हम बात करें तो 20 केसेज हमारे आए थे और 19 केस क्योर भी हुए हैं, तो उस प्रपोर्शनेट भी मैनेजेबल सिचुएशन है। और जो DCG की हमारी कैपेसिटी 150 की है, उसके अलावा होम आइसोलेशन में भी हमारे पास 45 से ऊपर लोग होम आइसोलेशन में है। उसको हम एनकरेज कर रहे हैं कि जहाँ जिनके घर में फैसिलिटी है, सेपरेट टॉयलेट्स है, वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन में हम उनको रख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। बोटा में हमारी जो सेकेंडरी आइसोलेशन कैपेसिटी है, वहाँ भी कल काफ़ी 7 लोग क्योर हुए हैं, 30 प्लस उसमें लोग थे जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है या उनको जो रिस्क का इश्यू है हो सकता है, उनको हम लोग सेकेंडरी आइसोलेशन पुट कर रहे हैं। सो केसेस आए हैं, बट ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और मतलब सभी, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए हैं कोई रैंडमली कि क्यों पॉजिटिव आए हैं, सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है। सो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि अब हल्की खांसी जुकाम होने पर भी लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला के मेडिकल कॉलेज BHC CHC में सभी को आदेश दिए गए हैं कि वहां पर आने वाले मरीजों का पूरा डाटा रखें, ताकि इन लोगों के भी टेस्ट करवाए जा सकें। तो ऐसे है कि आप सिम्प्टोमेटिक है, आपको सिम्टम्स है और मतलब हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं या इस तरह से है, तो आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल है कि जो फ्लू सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन है, उसमें उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि दूसरे जो, क्योंकि हॉस्पिटल सभी खुल गए, चाहे CHC हैं, चाहे PHC हैं, या चाहे मेडिकल कॉलेज में आते हैं या लोकल डिस्पेंसरी में आते हैं, तो उनको अगर लक्षण है तो उनको फ्लू सेक्शन के तहत उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनको एहतियात के तौर पर आइसोलेट किया जाता है।